एक शहर में भोला नाम का भूत अपनी 6 साल की बेटी रिंकी के साथ रहता था। करीब 1 साल पहले गांव में इलाज के अभाव से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद भोला रिंकी को लेकर शहर चला जाता है ताकि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके और भविष्य में डॉक्टर बन सके। यहाँ भूत की लॉन्ड्री की एक छोटी सी दुकान है। ये भोला, पूरे 10 कपड़े हैं, कब तक मिलेंगे? मैडम, परसों हो जाएगा। इतने लेट क्यों? आपको तो ज्यादा काम करना चाहिए, तभी आप अपने बेटी की पढ़ाई अच्छे से करवा पाएंगे। हाँ मैडम, पर क्या करूँ, मैं कपड़े हाथ से धोता हूँ, फिर सूखने में समय चला जाता है। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, आप वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेते हैं? ओके ठीक है, मुझे काम है, आप मुझे परसों ही कपड़े देना, मैं एडजस्ट कर लूंगी। भोला रात दिन मेहनत करता था ताकि उसकी अच्छी कमाई हो सके, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं होने के कारण उसके हाथ बंधे हुए थे। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है? परेशानी नहीं तो, जिसके घर में तुझ जैसी बेटी हो उसे परेशानी हो ही नहीं सकती। पापा, हमारे टीचर कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बेटा वो, पापा आज मैं सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी परेशानी हो भगवान उसे दूर कर दे। भोला रिंकी को गले से लगा लेता है और मन ही मन सोचता है कि भगवान इस बच्चे की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। अगली सुबह भोला तालाब में कपड़े धोता है, तभी उसे तालाब में कुछ दिखाई देता है और जो उसकी ओर बहता है। ये क्या है, कहीं कोई डूब तो नहीं गया? भोला तालाब के अंदर चला जाता है और देखता है कि ये तो एक वॉशिंग मशीन है। अरे ये तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये तालाब में कैसे आया? खैर पहले इसे पानी से बाहर निकालता हूँ। भोला वॉशिंग मशीन को पानी से बाहर निकाल कर अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। हे भगवान, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं ही इसे घर ले जाता हूँ, शायद भगवान की यही मर्जी है। भोला वॉशिंग मशीन को किसी तरह घर ले जाता है और सोचता है कि क्या ये काम करेगा। तभी रिंकी आ जाती है और भोला रिंकी को सारी बात बताता है। पापा मन में विश्वास हो तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद भोला वॉशिंग मशीन के केबल को बोर्ड से कनेक्ट करता है और स्विच ऑन करते ही वॉशिंग मशीन सुनहरे वॉशिंग मशीन में बदल जाता है, जिसकी चमक से पूरे घर में रोशनी हो जाती है। पापा ये तो सोने का है। हाँ बेटी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं कौन सा जादू है। अच्छा इसमें कुछ कपड़े डालकर देखता हूँ। भोला सुनहरी वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डालता है और तभी पलक झपकते ही कपड़े धुल के सूख कर आयन होकर बाहर निकलते हैं और हर कपड़े के साथ एक एक सोने का सिक्का भी निकलता है। अरे ये क्या हो रहा है, इसमें से सोने के सिक्के निकले? पापा हो सकता है कि ये जादुई वॉशिंग मशीन है, मैंने कल ही स्कूल में पढ़ा था जादुई किताब। नहीं नहीं ये भ्रम भी हो सकता है, मैं दूसरे कपड़े डालकर देखता हूँ। भोला दोबारा कुछ कपड़े सुनहरे वॉशिंग मशीन में डालता है तो इस बार भी कपड़े धुल कर सूख कर आयन होकर बाहर निकलते हैं और हर कपड़े के साथ एक एक सोने का सिक्का भी निकलता है। भोला बहुत खुश हो जाता है और रिंकी को गले लगा लेता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ भोला बड़ा आदमी बन जाता है और रिंकी भी बड़ी हो जाती है और डॉक्टर की डिग्री लेकर खुशी खुशी घर आती है। पापा पापा, क्या हुआ बेटा? बेटा नहीं, अब कहिए डॉक्टर साहिबा। आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर सुनहरा वॉशिंग मशीन नहीं होता तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। हाँ बेटा वो तो है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ जब शहर के सारे बच्चे
खास खास कर बीमार हो रहे थे। भोला और रिंकी सुनहरे वॉशिंग मशीन को पाकर बहुत खुश रहने लगे। उनकी हर मुराद पूरी हो रही थी। फिर एक दिन शहर में एक के बाद एक सारे बच्चे खास खास कर बीमार हो रहे थे। रिंकी बेटा, आज स्कूल मत जाना। क्यों पापा? बेटा, शहर में एक नई बीमारी आई है जो बच्चों को बीमार कर रही है, और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक रिंकी भी खांसने लगती है और बीमार पड़ जाती है। बेटा बेटा, क्या हुआ? पापा, मुझे कुछ ठीक। रिंकी की हालत देखकर भोला बहुत डर जाता है और रोने लग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? हाँ, सुनहरा वॉशिंग मशीन से पूछता हूँ। भोला सुनहरे वॉशिंग मशीन को रो रो कर मदद मांगता है और उसे रिंकी को ठीक करने के लिए कहता है। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम रिंकी का ख्याल रखो। ये कहकर सुनहरा वॉशिंग मशीन गायब हो जाता है और आसमान में चला जाता है। और फिर वो अपने चारों तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि एक काला धुआं पूरे शहर में प्रदूषित हवा फैला रहा है। रुक जाओ, और तुम क्यों वातावरण को प्रदूषित कर रहे हो? क्योंकि मैं हूँ पॉल्यूशन, और मेरा काम है सबको बीमार करना। आज बच्चे बीमार हो रहे हैं, कल सब बीमार होंगे। मैंने कहा रुक जाओ और बंद करो ये सब। अच्छा, तो तू मुझे रोकेगा? अब तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये कहते ही काला धुआं वॉशिंग मशीन के चारों तरफ फैल जाता है और उसे जोर से घुमाता है। अब तेरे बॉडी के एक एक पार्ट्स खुल के बिखर जाएंगे। सुनहरे वॉशिंग मशीन के चारों तरफ इतना काला धुआं जम जाता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसका दम भी घुटने लगता है और काला धुआं जोर जोर से हंसता है। तू मुझे रोकेगा? तभी सुनहरे वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुल जाता है और सारे के सारे काले धुएं को अपने अंदर खींच लेता है। फिर उसे फिल्टर करके स्वच्छ वायु बनाकर आसमान में छोड़ देता है। स्वच्छ वायु के आसमान में घुलते ही सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन सुनहरा वॉशिंग मशीन ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ पापा, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि मैं लोगों का इलाज मुफ्त में करूंगी। वाह, बाप बेटी में क्या प्यार है, मुझे तो सब भुला ही दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं। आज तुम डॉक्टर बन गई हो और मेरा काम खत्म हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। क्यों, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भोला, रिंकी, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हो, लेकिन अब मेरी जरूरत किसी और को है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। पापा, शायद मेरा दोस्त सही कह रहा है, वो तो हमारी मदद करने आया था और अब किसी और की मदद करना चाहता है। वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमें अपने स्वार्थ को भूलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सुनहरा वॉशिंग मशीन गायब हो जाता है। इसके बाद रिंकी लोगों का मुफ्त में इलाज करती है और भोला अभी भी अपना काम ईमानदारी से करता है।